तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेकिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो बताऊंगा जियो टीवी को आप कैसे इजीली रन करोगे आपका विंडो में। तो बेसिकली आपको बताया कि जियो टीवी जो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जियो यूजर जो है जियो टीवी को फ्री में देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लैपटॉप में इसको प्ले करना चाहते हो, जियो टीवी को कैसे प्ले करोगे, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया एंड नंबर वन पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको जियो टीवी को या तो फिर कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई भी एक इम्यूलेटर का जरूरत है। तो आज का जो इम्यूलेटर है ब्लूस्टैक, आपको पता है ब्लूस्टैक जो सबसे पॉपुलर एक इम्यूलेटर है एंड बहुत ही स्मूथली आप गेम भी खेल सकते हो एंड साथों साथ आप कोई भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लूस्टैक को रन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपका पीसी का, सबसे पहले आपको जो इंटेल या एएमडी प्रोसेसर का लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड, आपको जो मिनिमम 4GB रैम होना चाहिए। थर्ड, आपका जो हार्ड डिस्क पे 5GB तक मिनिमम स्पेस होना चाहिए एंड ग्राफिक्स ड्राइवर जो है आपका अपडेट होना चाहिए। तो गाइस, ये तो हो गया ब्लूस्टैक को रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप स्मूथली प्ले करना चाहते हो ब्लूस्टैक को आपका पीसी में, सबसे पहले जो ओएस जो है विंडोज 10 रहने से बहुत बढ़िया है, नहीं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, आपका प्रोसेसर एएमडी या इंटेल कुछ भी चल जाएगा। एंड थर्ड, आपको यहाँ पे रैम 8GB मिनिमम होना ही है, अगर 8GB से ऊपर है तो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास SSD है तो आप स्मूथली प्ले कर सकते हो एंड फास्ट आप रन कर सकते हो। तो फोर्थ जो है, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत ही इजीली आप जियो टीवी को या कोई भी एप्लीकेशन को ब्लूस्टैक में प्ले कर सकते हो एंड साथ साथ गेम भी आसानी से खेल सकते हो। तो चलिए इससे हमें वीडियो शुरू करते। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है गूगल में चले जाना आपका लैपटॉप में एंड यहाँ पे गूगल मैप की सर्च कर लेना है ब्लूस्टैक 5। एंड जैसे ब्लूस्टैक 5 सर्च कर लोगे इसका वेबसाइट खुल जाएगा एंड वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लूस्टैक 10 एंड ब्लूस्टैक 5 दिखाई देगा। ये ब्लूस्टैक 10 जो है बेसिकली गेमिंग के लिए है एंड ब्लूस्टैक 5 में आप गेम भी खेल सकते हो एंड कोई भी एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हो। तो आपको ब्लूस्टैक 5 जो है दिखा रहा है, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लोगे आपका फाइल में सेव हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर टैप करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड होके रखा है, इंस्टॉल होके रखा है, ब्लूस्टैक को ओपन कर लेता हूँ। तो कैसे आप देख पा रहे हो आपका ब्लूस्टैक रेडी हो गया। आप सिंपली आपको जियो टीवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप मोबाइल पे लॉगिन करते हो, प्ले स्टोर जैसे ओपन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है जियो टीवी एंड आपको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड, अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई भी वेबसाइट में चले जाना है एंड यहाँ पे जाके सर्च करना जियो टीवी APK। एंड जैसे APK सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट खुल जाएगा, कहीं पे भी जाके आप APK को डाउनलोड कर सकते हो एंड डाउनलोड करने के बाद आपका फाइल में APK फोल्डर फाइल जो है सेव हो जाएगा। आपका सिंपली डाउनलोड होने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है ब्लूस्टैक में एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। एक जो ऑप्शन है APK बोल के, इस APK के ऊपर क्लिक करके आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड डायरेक्टली ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर दोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट जो सबसे सेफ है यहाँ पे प्ले स्टोर से जियो टीवी को इंस्टॉल करना है। तो मैं जियो टीवी ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपको अलाउ करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड आपको जितना भी अलाउ ऑप्शन मांगते हैं अलाउ करके आपका मोबाइल नंबर डालना है एंड OTP के थ्रू लॉगिन कर लेना है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड OTP डालने के बाद आपके पास यहाँ पे जियो टीवी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जियो टीवी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लाइव टीवी प्ले कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो। तो अगर ऐड रहता है ऐड को स्किप कर देना है एंड यहाँ पे अगर और भी कोई प्ले करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ रॉ को, इस मूवी को जैसे मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, आप ब्लूस्टैक के थ्रू आप बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हो। जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दिया, अगर आपके पास है आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया एंड अगर वीडियो पसंद आया चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।